जामताड़ा फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले आज समाहरणालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न प्रखंडों के डीलरों ने हिस्सा लिया। गोदामों से सही वजन से अनाज नहीं मिलने के समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर एसोसिएशन धरने पर बैठे थे। जामताड़ा जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन ने धरना प्रदर्शन के दौरान बताया कि प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। पूर्व से 9 सूत्री मांग है, जिसको अभी तक सरकार पूरी नहीं की है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना का बकाया रुपया 1 वर्ष तक का नहीं मिला है। प्रदेश कार्य समिति के आह्वान पर पूरे जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। उसमें हमारी 9 सूत्री मांग है, जो अभी तक सरकार जो है उस वादा को पूरा नहीं की है, जिसमें साल भर का हमारा जो है प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण अन्न योजना का जो है बकाया राशि है, NFSA के द्वारा जो है 1 जनवरी से फ्री राशन वितरण का जो वो कार्यक्रम रखा गया है, उसका कमीशन मात्र 2 महीना का हम लोगों को मिला है, बाकी कमीशन जो है अभी तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ आपका जो है CMR बोरा जो है, कोरोना काल में जब जूट बोरा नहीं बन रहा था तो दुकानदारों से बाध्य लेकर के बार बार नोटिस करने के बाद जो है आज करोड़ों में जो है पैसा का जो है बोरा दिया गया है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हमारा इसके पूर्व की सरकार जो है अनुकंपा लागू किए हुए था कि जो हमारा दुकानदार इस बीच काल के गाल में चले जाएंगे, उनके परिवार को जो है अनुकंपा का लाभ दिया जाएगा, किंतु बरतार सरकार में 22 में उसको पलट दिया है और 60 के नीचे वाले को जो है अनुकंपा मिलेगा और 60 के ऊपर वाले को अनुकंपा नहीं मिलेगा। आप अगर अनुकंपा से हमें वंचित रखते हैं तो आप 60 से ऊपर का जितने उम्रदराज दुकानदार हैं और उसको आप कम से कम जो है एक सम्मानजनक पेंशन दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सके।